हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, मार्केटिंग के दो एलिमेंट या इनिशियल टू पीस हम खत्म कर चुके हैं। बेटा, थर्ड एलिमेंट, थर्ड पी की बात कर रहे हैं। बाबू, नाम है प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। मेरी तरफ देखना पहले बेटा। जरूर हम क्या करते हैं, लिखते तो स्लैश करके हैं, लेकिन बेटा प्लेस मिक्स एक वाइडर टर्म है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स है। हम लिखते हैं हमेशा इसको ऐसे ही है बेटा, प्लेस मिक्स और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। लेकिन हमेशा ध्यान रखना बेटा, प्लेस मिक्स एक वाइडर टर्म है, इसका भी मतलब क्लियर करूंगा। बेटा प्लेस मिक्स किस बात से कंसर्न होता है? बेटा एक ही बात से कंसर्न होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, इन द राइट क्वांटिटी। बेटा प्लेस मिक्स इस बात से कंसर्न होता है कि अगर मेरे कस्टमर को जितनी क्वांटिटी में गुड्स चाहिए, जिस जगह पे चाहिए, जिस टाइम पर चाहिए, उस टाइम पर, उस जगह पर उतनी क्वांटिटी में हम गुड्स दे सके, इस बात से कंसर्न होता है प्लेस मिक्स। समझ में आता है बेटा? इट इज कंसर्न विद अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, इन द राइट क्वांटिटी। बेटा इसके दो पार्ट हैं प्लेस मिक्स के। पहला है बेटा सिलेक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है बेटा फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। सुन लो आराम से बेटा, लिखूंगा नहीं। सिलेक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पहला, दूसरा बेटा वो फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। कैसे बेटा प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से गुड्स प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचता है, ये भी सोचना है, ठीक है जी। और बता देता हूं बेटा, यही दूसरा एलिमेंट, अगर आप इतना बड़ा नहीं बोलना चाहते तो आप उसको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो, ठीक है ना जी। क्या था बेटा? फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, ठीक है जी। अब बेटा मेरा मुद्दा अभी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, शायद ये मुद्दा आज आ भी ना पाए, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं बेटा। पर जितना करना है बेटा उतना आज खत्म कर ही देना है बेटा, पहला एलिमेंट बिल्कुल खत्म कर देना है बेटा। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं बेटा? कोई भी मैन्युफैक्चरर गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है एक पर्टिकुलर प्लेस पे, लेकिन बेटा वो प्रोडक्ट कंज्यूम होता है बेटा थ्रू आउट द कंट्री या थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो बेटा ये प्रोडक्ट कैसे पहुंचता है थ्रू आउट द कंट्री या थ्रू आउट द वर्ल्ड? बेटा जिन भी मिडल मैन की हेल्प से पूछता है उन्हें हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। वो मारुति उद्योग गुरुग्राम गुड़गांव में फैक्ट्री है, अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना बेटा कि मुंबई वाले मारुति की गाड़ी नहीं चलाते, या कैलकाटा वाले कोलकाता वाले गाड़ी नहीं चलाते, या बेटा हम नहीं गाड़ी चलाते, या दिल्ली वाले गाड़ी नहीं चलाते, चलाते हैं ना। पहुंचती कैसे है बेटा हमारे तक? बेटा कोई ना कोई चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, हमने डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से तो नहीं करी थी, तो कोई ना कोई तो मिडल मैन है ना जिसके थ्रू पहुंचती है बेटा, उन्हें ही हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है जी। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेटा दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट चैनल और इनडायरेक्ट चैनल। बेटा डायरेक्ट चैनल को ही कुछ लोग प्यार से बोलते हैं जीरो लेवल चैनल, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है बेटा, जीरो लेवल, दैट मीन्स देयर इज नो मिडल मैन। बेटा जब भी गुड्स मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचेगा इसे हम बोलेंगे डायरेक्ट लेवल चैनल या बेटा जीरो लेवल चैनल। वो इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं आज की तारीख में, जितनी भी कंपनी अपनी वेबसाइट के थ्रू प्रोडक्ट बेचती है वो सब डायरेक्ट चैनल का बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है ना जी। वो मुझे कोई गैजेट लेना है सैमसंग का, ठीक है बाहर सारी दुनिया में मिलता है बेटा वो, लेकिन अगर मैं सैमसंग की वेबसाइट से ऑर्डर करूं तो बेटा ये डायरेक्ट लेवल चैनल है। समझ में आती है बेटा बात? मुझे एक स्मार्ट वॉच लेनी है बेटा, कोई भी कंपनी सोच लो, मान लो एक कंपनी है बड़ी फेमस आज के तारीख में, फायर बोल्ट, ठीक है वो बाहर सारी दुनिया में मिलती है, लेकिन अगर मैं फायर बोल्ट की ही वेबसाइट से खरीदूं तो बेटा डायरेक्ट लेवल चैनल है, कोई दिक्कत तो नहीं। समझ में आती है बेटा बात? मैन्युफैक्चरर जब भी कंज्यूमर को डायरेक्टली गुड्स प्लेस करेगा डायरेक्ट चैनल और जीरो लेवल चैनल। बेटा इनडायरेक्ट चैनल तीन है बेटा, वन लेवल, टू लेवल और थ्री लेवल। बेटा जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, वन लेवल में वन मिडल मैन, टू लेवल में टू, थ्री में थ्री। यानी कि अगर मैन्युफैक्चरर रिटेलर को पहले गुड्स बेचे और रिटेलर कंज्यूमर को बेचे तो वन लेवल चैनल है, टू लेवल मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, देन कंज्यूमर। वो थ्री लेवल मैन्युफैक्चरर एजेंट, जिसको आप ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलते हो,
होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, ये टू लेवल और थ्री लेवल है बेटा। वन लेवल का बेस्ट एग्जांपल है ऑटोमोबाइल। जितना भी आप टू व्हीलर और फोर व्हीलर बिकता हुआ देखते हो सब वन लेवल से देखते हो। मारुति सुजुकी बेटा फैक्ट्री इन गुरुग्राम, ठीक है ना, उसने क्या कर रखा है यहां पर बेटा, एक रिटेलर बिठा तो रखा है जो मारुति सुजुकी का ऑथराइज डीलर है। क्या करते हैं, वहीं से खरीदते हैं ना गाड़ी, एक मिडल मैन है तो बीच में, ठीक है ना। जितने टू व्हीलर देखोगे, जितने फोर व्हीलर देखोगे, हमेशा बेटा वन लेवल चैनल से बिकते हैं। कभी आपने ऐसा देखा कि टू व्हीलर और फोर व्हीलर की दुनिया में बेटा होलसेलर है पहले, फिर कोई रिटेलर है, ऐसा देखा? ऐसा तो नहीं देखा कि पहले कोई होलसेलर है फिर रिटेलर है। एक शोरूम में गए जहां 50 गाड़ियां खड़ी हैं, एक शोरूम में 10 खड़ी हैं, वो रिटेलर है होलसेलर है, तो वन लेवल ही है ना बाबू। रही टू लेवल और थ्री लेवल की बात, दुनिया के बेटा 90% प्रोडक्ट इसी में फॉल करते हैं जो टू लेवल और थ्री लेवल से बिकते हैं, ठीक है ना। आप जो भी कॉस्मेटिक्स खरीद कर लाते हो ना अपने घर पर किसी रिटेलर से बेटा, वो बिकती थ्री लेवल से। जितना भी खाने पीने का सामान खरीद कर लाते हो ना, थ्री लेवल से बिकता है। जिस मर्जी प्रोविजन स्टोर की दुकान पे चले जाना बेटा, थ्री लेवल से आ रहा होगा या टू लेवल से आ रहा होगा सामान उसके पास, ठीक है ना। दुनिया में 90% प्रोडक्ट का एग्जांपल बेटा टू लेवल और थ्री लेवल है, ठीक है ना जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आ रही है बेटा सारी बात? ये सबसे हल्का टॉपिक था, खत्म हो गया बाबू। अब मैं आपको बता देता हूं जहां पर ये टॉपिक शुरू हो रहा है बेटा, बिल्कुल पहले पेज पर प्लेस मिक्स, बिल्कुल वहीं पर बेटा आपको फंक्शंस दिए हुए होंगे बेटा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के, दिए हुए हैं फंक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, समझना जरा आराम से काम की बात है, पेपर में आने के चांसेस थोड़े ज्यादा। बाबू पहला फंक्शन है इनका सॉर्टिंग। बेटा सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है बेटा? गुड्स को क्लासीफाई करना या तो एज पर साइज या एज पर कह सकते हो बेटा प्राइस, एज पर बेटा उसकी क्वालिटी, एज पर उसकी वैरायटी, ऐसे बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना सॉर्टिंग होता है। और हमेशा ध्यान रख लेना बेटा, सॉर्टिंग कभी भी मैन्युफैक्चरर नहीं करता, क्योंकि मैंने क्या, हम पढ़ क्या रहे हैं फंक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मिडल मैन के फंक्शन पढ़ रहे हैं, इनके फंक्शन पढ़ रहे हैं बेटा, पर वो सॉर्टिंग हमेशा मिडल मैन करेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल हजारों हो सकते हैं, कुछ की बातें करते हैं बेटा, दो चार एग्जाम्पल देता हूं बाबू। एक एग्रीकल्चरिस्ट है जो मैन्युफैक्चरर है पोटैटोस का, ठीक है जी, या मौसमी का, ठीक है बेटा। उसने क्या करा, जब पोटैटोस खेत से वापस आए तो उसने देखा बहुत गंदे गंदे भी हैं या मौसमी बहुत खराब खराब भी है बेटा। उसने ये नहीं देखा कि चलो खराब को अलग कर दूं, उसने क्या करा, सब पैक करो, मुझे तो वेट बढ़ाना है, मेरा तो माल बोरियों में बिकता है, किसी ने खोल के थोड़ी चेक कर रहा है। चलो भाई हर बोरी में दो चार दो चार दो चार खराब पीस डाले, बोरियां पैक करी, चलो जी मार्केट में पहुंचा दी। करा उसने सॉर्टिंग? उसने नहीं करा, मैन्युफैक्चरर कभी नहीं करता। और मैं यही कहूं बेटा, एक रिटेलर जो गली मोहल्ले में सब्जियां बेचता है, वो खरीद कर ले आया आलू की बोरी, तो उसने सॉर्टिंग कर दी बेटा, हाथ जो साफ सुथरे थे वो एक तरफ कर दिए, जो थोड़े से खराब थे एक तरफ कर दिए, ये 10 रुपए किलो और ये 25 रुपए किलो, जो भी रेट। तो सॉर्टिंग हमेशा किसका फंक्शन है बेटा? इट इज द फंक्शन ऑफ मिडलमैन, ठीक है ना जी। ऐसे ही बेटा एक बात करता हूं, एक पर्सन ने बेटा कैश्यू नट प्रोड्यूस किए, ठीक है जी। वो कैश्यू नट, अब बेटा ऐसा भी कैश्यू आता है जो बिल्कुल साबुत है, जिसका मार्केट में एक ठीक ठाक दाम मिलता है, और ऐसा भी कैश्यू नट आता है बेटा बिल्कुल चूरा है, टुकड़े के फॉर्म में पड़ा हुआ। सर मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, साबुत साबुत पैक करके देगा, छाटेगा? अरे उसे कोई मतलब नहीं, उसे तो वेट बढ़ाना है, उसने तो अंधाधुंध पैक किया बोरियों में, चलो जी बेच दिया। रिटेलर क्या करता है, अपनी दुकान पर 40 किलो की बोरी लेकर उसने सॉर्टिंग शुरू कर दी, साबुत निकल गया 38 किलो वो साइड, 2 किलो चूरा निकल गया वो साइड, 38 किलो अलग रेट से बिकेगा, 2 किलो अलग रेट से बिकेगा, ऐसे ही होता है ना, समझ में। सॉर्टिंग कौन करता है बाबू? थर्ड हेडिंग पढ़ना, इससे रिलेटेड ही है, एलोकेशन। बाबू अब जो मैंने कैश्यू नट का एग्जांपल दिया, यही कंटिन्यू एग्जांपल रहेगा बाबू। अब एक रिटेलर ने 38 किलो काजू अलग कर दिया जो साबुत है, और जो बेटा 2 किलो जो कैश्यू नट बेटा चूरे के फॉर्म में है, टुकड़े के फॉर्म में, उसे अलग रख रखा उसने, पर वही बहुत अच्छे से जानता है मेरे पास कोई ग्राहक ऐसा नहीं आएगा 5 किलो दे दो, 7 किलो दे दो, 10 किलो दे दो, वो एक रिटेलर है,
उस पे ग्राहक आएगा 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg, बस इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो उसने क्या किया, उसने बेटा इस सॉर्टेड गुड्स को एलोकेट कर दिया इनटू डिफरेंट मार्केटेबल लॉट्स। जिस लॉट्स में वो बिकते हैं बेटा, उस लॉट में उसको पैक करना शुरू कर दिया। ट्रांसपेरेंट पॉलिथिन ली, ठीक है ना जी, 250 ग्राम की काफी पैकिंग बता दी, आधे किलो की काफी पैकिंग बना दी और 1 किलो की काफी पैकिंग बना दी, अब बिकेगा। तो एलोकेट कौन करता है बेटा, एलोकेशन इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ मिडलमैन, पहले सोर्टिंग, सोर्टिंग के बाद एलोकेशन, मार्केटेबल लॉट्स में बांटना बेटा गुड्स को, एलोकेशन। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आती है बेटा बात, बढ़ाएं बात को आगे। बाबू सेकेंड हेडिंग पढ़ेंगे, 2-4 मिनट दो बाबू, फोर्थ हेडिंग पढ़ना पहले, एसॉर्टिंग। बेटा सॉर्टिंग और एसॉर्टिंग में कंफ्यूज मत होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, आराम से समझते चलो बेटा। थर्ड वन इज एसॉर्टिंग बेटा। एक मैन्युफैक्चरर क्या करता है, एक पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करता है या मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन बेटा एक मिडल मैन के पास पता नहीं कस्टमर कैसा आ जाए, तो एक मिडल मैन क्या करता है बेटा, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से गुड्स बाय करता है और बेटा जैसा कस्टमर डिमांड करता है वैसा देता है। मैं कहूँ यू आर एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है ना, आपने क्रॉप उगानी है, क्रॉप का नाम है बेटा राइस, चावल, ठीक है जी। बाबू आप ऐसा नहीं करोगे राइस अलग अलग जो क्वालिटी के बोगे बेटा, और अलग अलग क्वालिटी का राइस होगा आपके पास, कभी भी नहीं ऐसा होता। मैन्युफैक्चरर क्या करता है, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ राइस प्रोड्यूस करता है। लेकिन बेटा अगर मैं एक मिडल मैन की बात करूं, आप किसी रिटेलर की दुकान पे गए, आपने कहा जी चावल चाहिए, तो चावल तो 20 क्वालिटी में आता है, चावल बताओ कौन सा चाहिए, आता है ना चावल, शायद सुना हो आपने, सेला, बासमती, टुकड़ा, पौना, पता नहीं कैसा कैसा चावल आता है, मुझे तो नाम भी नहीं पता, सारे 20 क्वालिटी से ज्यादा का चावल आता है। क्या बेटा मैन्युफैक्चरर कभी असॉर्टिंग करता है, नहीं बेटा, मैन्युफैक्चरर तो वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन बेटा अगर आप मिडल मैन की बात करो तो उसको सब रखना पड़ता है, उसको क्या पता कस्टमर क्या डिमांड कर दे उससे, ठीक है ना जी। तो बेटा असॉर्टिंग इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ मिडल मैन, क्लियर है बेटा बात, समझ आती है। नेक्स्ट हेडिंग पढ़ना बाबू, प्रोडक्ट प्रमोशन। नॉर्मली बेटा प्रमोशन इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरर, आपने गुड्स प्रोड्यूस करा है, आप ही मार्केटिंग करोगे, आप ही प्रमोट करोगे प्रोडक्ट को बेचने के लिए, बट समटाइम मिडलमैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दैट। मैं कहता हूँ आज बेटा एक्टिवा ने नया मॉडल लॉन्च किया, एक्टिवा 6G, ठीक है, क्या करेंगे वो टीवी एड करना शुरू कर देंगे। बेटा आपने प्रोड्यूस करा, आप ही चाहोगे बिके, तो आप अपने प्रोडक्ट को खुद प्रमोट करोगे। नॉर्मली बेटा मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर ही अपने गुड्स को प्रमोट करते हैं, बट मैंने क्या बोला, समटाइम्स मिडलमैन आल्सो पार्टिसिपेट इन प्रमोशन फंक्शन। लेकिन कई बार आप देखते हो मिडलमैन भी पार्टिसिपेट करता है आपके प्रमोशन फंक्शन में। बेटा उसी 6G का ना पूरे शहर भर में एड लगा दिया स्वाति होंडा और बगला होंडा ने, दो एजेंसी हमारे यहाँ पर, ठीक है ना। आप देखोगे बेटा चौक पे कई बार फ्लेक्स बोर्ड लगा होता है, एक्टिवा 6G बनी है, नीचे बस एक पट्टी पे अपना ऐड कर रखा है, लिख रखा बगला होंडा और ये नंबर, या स्वाति होंडा ये नंबर। नॉर्मली प्रमोशन तो काम मैन्युफैक्चरर का है, पर मिडलमैन भी कर ही रहा है ना थोड़ा बहुत प्रमोशन जितना उससे हो पा रहा है, ठीक है ना जी, समझ आती है बेटा बात। बाबू सेम बात अगर मैं किसी कन्फेक्शनरी डीलर के एंगल से समझाने की कोशिश करूं तो वो भी पार्टिसिपेट करता है कई बार बेटा प्रमोशन में। बाबू आप देखते हो बेटा शेल्फ सजा रखी है एक ही प्रोडक्ट से, दुकान में शेल्फ है बहुत सारी, एक शेल्फ में प्रोडक्ट रखा है सिर्फ मैगी, और कैसे नहीं ध्यान जाएगा उस पे, जो शेल्फ इतना सजा है, एक ही ब्रांड का प्रोडक्ट रखा है। आप खुद सोचो बेटा वो डेयरी मिल्क का फ्रिज कैसे जाता है हमारा ध्यान सीधा उस पे, जब एक ही प्रोडक्ट लगा होता है ना इतना सिस्टमैटिकली, तो बेटा ध्यान जाना उसके ऊपर बिल्कुल लाजमी सा है, समझ में आई बेटा बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। तो प्रमोशन में बेटा मिडलमैन भी पार्टिसिपेट करता, ठीक है जी। वो नेक्स्ट हेडिंग इज नेगोशिएशन बेटा। नेगोशिएशन का मतलब होता है बार्गेनिंग, और बेटा मिडलमैन का काम ही बार्गेनिंग का है, ठीक है ना जी। बेटा कोई भी मिडलमैन देख लो, ठीक है ना, इस मिडलमैन की बात कर लो, ये मैन्युफैक्चरर से भी बार्गेन करेगा, कंज्यूमर से भी बार्गेन करेगा। मैन्युफैक्चरर से क्या चाहिए, डिस्काउंट भी ज्यादा, गारंटी पीरियड भी ज्यादा, वारंटी पीरियड भी ज्यादा, कस्टमर उसको डिस्काउंट भी कम देनी, गारंटी भी कम देनी, वारंटी भी कम देनी, तो इनका काम ही बार्गेनिंग है, दोनों से बार्गेन कर लेते हैं ये,
मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे जी 20% तो बनती है डिस्काउंट, इतनी क्वांटिटी में मैंने गुड्स लिया 20%। कस्टमर लेने आएगा भैया 2% है, दो चलो तीन होगी, चलो चार होगी, वो बार्गेन दोनों तरफ से करनी है, ठीक है ना जी। तो नेगोशिएशन इज द फंक्शन ऑफ मिडल मैन, क्लियर है बेटा बात। अब पढ़ो सेकेंड हेडिंग बेटा, सेकेंड हेडिंग का मतलब है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है बेटा स्टॉक लगाना, पाइलिंग करना, इकट्ठा करना। बाबू मिडल मैन को देखोगे ना बेटा, स्टॉक एक्यूमुलेट करके रखता है थ्रू आउट द ईयर, चाहे कोई प्रोडक्ट सीजनल है पर उसकी दुकान पे आपको बेटा वो प्रोडक्ट थ्रू आउट द ईयर मिल जाता है, जबकि बेटा वो प्रोडक्ट शायद ऑफ सीजन में आपको होलसेलर और मैन्युफैक्चरर भी ना दे पाए। मैं कहता हूं बेटा बहुत सारे आप सोप देखते हो या पाउडर देखते हो या टेलकम देखते हो, जहां पर बेटा कूल फ्लेवर आते हैं जिसमें मेंथॉल का यूज होता है, ठीक है ना जी। बेटा सर्दियों में काम है कूल फ्लेवर का, बताओ मेरे को फटाफट से। बहुत सारे सोप ऐसे होते हैं जिसमें कूल फ्लेवर आता है, टेलकम में आता है ना डर्मी क्यू, डर्मी कूल, ठीक है ना बाबू। क्या होलसेलर शायद आपको इस टाइम पर दे पाएगा पीक विंटर में? शायद ना दे पाए, मैन्युफैक्चरर तो मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं कर रहा होगा, लेकिन बेटा मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ रिटेलर की दुकान पे जाओ आज भी दे देगा। तो रिटेलर क्या करते हैं बेटा, बहुत सारे प्रोडक्ट जो सीजनल भी हैं बेटा उनको थ्रू आउट द ईयर रखते हैं, ताकि अपने कस्टमर को बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज दे पाए। समझ में आती है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू? लास्ट हेडिंग अब पढ़ना, रिस्क टेकिंग। अब बेटा सेकेंड हेडिंग से रिलेट करती है लास्ट हेडिंग, क्योंकि बेटा आप प्रोडक्ट को थ्रू आउट द ईयर रखते हो तो बेटा बहुत सारे रिस्क ले रहे, रिस्क ऑफ थेफ्ट, रिस्क ऑफ लीकेज, रिस्क ऑफ ब्रेकेज बेटा, रिस्क ऑफ स्पॉइलेज, चीजों का आउट ऑफ फैशन चले जाना, डिमांड खत्म हो जाना, प्राइस का फॉल हो जाना, ये सारे रिस्क आप ले रहे हो बेटा। थ्रू आउट द ईयर प्रोडक्ट रखोगे, मान लो बेटा मैं बोलता हूँ अभी गर्मियां आ गई, ठीक है, और आप क्या करोगे बेटा, बहुत सारा सर्दियों का इनर वियर स्टॉक रखोगे अपने पास, तो बेटा आप रिस्क तो ले ही रहे हो इनडायरेक्टली, आपको पता नहीं लग रहा। पहली बात तो बेटा चूहा काट जाए प्रोडक्ट को, अभी खराब, कोई देखने का भी नहीं, लेने की तो बात छोड़ो, ठीक है ना बेटा। बाबू धागे का दाम गिर जाए इंटरनेशनल मार्केट में, नेशनल मार्केट में क्या होगा, इनर बहुत सस्ते हो जाएंगे, कौन ले रहा है रिस्क, आप ले रहे हो। मान लो बेटा आपने क्या कर रखा है, गोल गले का इनर रख रखा है, मान लो फैशन आ जाता है वीनेक, सब वीनेक ही पहनना शुरू कर देते हैं, सर आप ही ले रहे हो सारे रिस्क, चीजों का आउट ऑफ फैशन जाना, प्राइस का फॉल हो जाना, थेफ्ट हो जाना, आग लग जाना, सारे रिस्क आपके हैं बेटा। समझ में आती है बेटा बात? सारे के सारे फंक्शन क्लियर हो गए, बढ़ाए बात को आगे। बाबू एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा होगा एक आध पेज छोड़कर, अब फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। पेज नंबर एक बार बता दो ताकि सबको पता लग जाए, 1118 बाबू, चॉइस ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो टॉपिक ठीक ठाक बड़ा है पर बेटा टारगेट ये आज का ही है, आराम से सुनना और समझना। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात समझ लो बाबू, प्रोडक्ट ना दो तरीके के होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं बेटा, विच आर रेडी टू कंज्यूम, जिनके ऊपर कोई फर्दर प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिनके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग हो भी नहीं सकती, ऐसे गुड्स को बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स, ठीक है जी। और बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं बेटा जो इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स मतलब बेटा जो कंज्यूमर गुड्स बनाने में हेल्पफुल, चाहे तो ये खुद रॉ मटेरियल हो, चाहे बेटा ये प्लांट एंड मशीनरी हो, पर ये दूसरे गुड्स बनाने में हेल्पफुल है, इनके ऊपर प्रोसेसिंग हो सकती है, ठीक है जी। बाबू अगर आप देखोगे ना तो कंज्यूमर प्रोडक्ट जितने भी हैं या तो 2 लेवल से बिकते हैं या 3 लेवल से बिकते हैं, जनरल केस में 2 लेवल और 3 लेवल, 2 लेवल 3 लेवल, इससे कम लेवल ही नहीं देखने को मिलता। लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियल गुड्स देखोगे तो बेटा ये डायरेक्टली बिकते हैं या तो 0 लेवल से या 1 लेवल से। मैं कहूँ जितनी भी मशीनरी आप सोच सकते हो दिमाग में, आज सोच लो कभी आप देखोगे नहीं इसमें होलसेलर है। मैं कहूँ आप एक बैंक के मैनेजर हो और आपको बेटा ब्रांच मैनेजर होने के नाते, मान लो आप अपनी ब्रांच के लिए कुछ जनरेटर देखने जा रहे हो किर्लोस्कर का 10 किलोवाट, आपने देखा इस फील्ड में कभी कोई रिटेलर और होलसेलर? एक दुकान है जहां जनरेटर पड़े हुए हैं 50-60 और एक दुकान है जहां 10-15, ऐसे
बेटा डायरेक्टली या तो कंपनी से खरीदोगे या एक मिडल मैन होगा, या दो की कहानी कभी नहीं होगी। कोई भी इंडस्ट्रियल गुड्स सोच लो, कोई भी मशीनरी सोच लो। लेट सपोज कि आप बेटा एक पैथोलॉजी खोलने जा रहे हो, ठीक है ना, आप डॉक्टर हो, आप सिटी स्कैन मशीन खरीदने जा रहे हो। सर आपको कभी नहीं मिलेगा इसमें होलसेलर रिटेलर मैन्युफैक्चरर या ज्यादा से ज्यादा एक मिडल मैन। समझ में आती है बेटा बात? तो बाबू अगर मैं कंज्यूमर गुड्स की बात करूं, टू लेवल या थ्री लेवल से बिकते हैं ना, जब भी कोई प्रोडक्ट टू लेवल या थ्री लेवल से बिकेगा इस पूरे टॉपिक में, मैं इसको बोलूंगा लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और जब भी जीरो और वन से बिकेगा तो क्या बोलूंगा, शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा कंज्यूमर गुड्स हमेशा लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से बिकते हैं और ये हमेशा शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से बिकते हैं। समझ में? जीरो और वन तो शॉर्टर, टू और थ्री तो लॉन्गर। अब मैंने ये एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि बेटा मैं चाह रहा पांच हेडिंग में, क्योंकि 15 से के आसपास हेडिंग है इस टॉपिक में। मैं क्या करूंगा, चार या पांच हेडिंग में यही एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। हर हेडिंग के लिए एक नया एग्जाम्पल दूंगा, परेशान आप हो गए मैं नहीं। ठीक है जी, तो आप वो टॉपिक शुरू कर रहे हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। पहली हेडिंग पढ़ना बेटा, मेन हेडिंग है प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर, उसमें फर्दर चार हेडिंग है। पहले पहली हेडिंग पढ़ो, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट में तो लिखना है यही है विदाउट एनी डाउट। इधर देखना आप क्या लिखोगे कि अगर आपने कंज्यूमर गुड्स बेचना है तो हमेशा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए। आप कंपनियों, यू मस्ट डिसाइड द लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इंडस्ट्रियल गुड्स बेचना है तो शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पहली हेडिंग खत्म। सेकंड छोड़ो 2 मिनट के लिए, थर्ड पढ़ो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। इधर देखो यही है, यही बेटा यही एग्जाम्पल फिट करना है इसमें। ठीक है, इधर देखो बाबू वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट हेडिंग का नाम है। अगर कोई आप ऐसा प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो जिसकी पर यूनिट वैल्यू काफी ज्यादा है, बेटा इंडस्ट्रियल गुड्स मशीनरी की पर यूनिट वैल्यू ज्यादा होती है ना, एक मशीनरी लाखों करोड़ों की भी है ना, तो ऐसे प्रोडक्ट कैसे बिकते हैं, शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से। और अगर आपको ऐसा प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो जो कंज्यूमर गुड्स सॉरी जिसकी पर यूनिट वैल्यू कम है, तो बेटा ऐसे प्रोडक्ट कैसे बिकते हैं, शॉर्टर चैनल ऑफ लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से। बेटा कंज्यूमर गुड्स में एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, 1 रुपए का पाउच है शैम्पू का, पर यूनिट वैल्यू कितनी कम है, 1 रुपया। सॉस का पाउच 1 रुपया, सर पर यूनिट वैल्यू कितनी कम है, कैसे बिकते हैं ये प्रोडक्ट बेटा, हमेशा लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से बिकते हैं। समझ में आई बेटा बात? जो कंज्यूमर गुड्स है इंडस्ट्रियल गुड्स है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट में तो एडजस्ट हो गया, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट में भी एडजस्ट हो गया। वैल्यू इंडस्ट्रियल गुड्स की ज्यादा होती है ना, वैल्यू बहुत ज्यादा तो शॉर्टर, वैल्यू बहुत कम कंज्यूमर गुड्स की वैल्यू कम भी होती है ना, तो वो कैसे बिकते हैं बेटा लॉन्गर। फिट कर दिया मैंने दूसरी जगह पर। फोर्थ हेडिंग पढ़ना, इधर देखो प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी। बेटा जो प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, टेक्निकल प्रोडक्ट है, जहां टेक्निकलिटीज का रोल है, हमेशा कैसे बिकते हैं बेटा, शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सर आप ये मत कहना कि टेक्नोलॉजी का या टेक्निकल प्रोडक्ट नहीं होती मशीनरी, डोंट टेल मी। वो आज आप एक बात बताओ, सोच कर बताना मेरे को, आज आप जनरेटर लेने जा रहे हो बेटा 10 किलोवाट का, आप जिस मैन्युफैक्चरर के पास सोचो उसने कहा जी 10 किलोवाट का रेडी नहीं है, 2 4 किलोवाट के, 1 2 किलोवाट का ले जाओ, ले आओगे ले आओगे, फटाफट बताओ कभी मिल लाओगे। और मैं बोलूं बेटा आप ब्रेड लेने गए, अ नॉन कॉम्प्लेक्स अ नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट, आपने कहा जी बड़ी ब्रेड दे दो जिसमें कम से कम 30 पीसेस हो, उसने कहा जी बड़ी तो है नहीं छोटी है 15 पीस है, अरे कोई नहीं 2 दे दे, ये तो नहीं कहोगे दो नहीं चाहिए इसमें। सर नॉन कॉम्प्लेक्स नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट होते हैं कंज्यूमर गुड्स जनरली, लेकिन इंडस्ट्रियल गुड्स टेक्निकल प्रोडक्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होते हैं, मानते हो ना। आप सिटी स्कैन मशीनरी खरीदने गए, आपको कलर चाहिए बेटा, तो देखा नहीं कलर नहीं पड़ा, ब्लैक एंड व्हाइट पड़ा, ले आओगे। टेक्निकल प्रोडक्ट इसके साथ कॉम्प्रोमाइज कैसे हो जाएगा। तो बेटा टेक्निकल प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट हमेशा शॉर्टर चैनल, नॉन टेक्निकल नॉन कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बेटा हमेशा लॉन्गर चैनल। 3 जगह पे फिट कर दिया मैंने एक ही एग्जाम्पल। अब सेकेंड हेडिंग पढ़ दो, पेरिशेबल है नॉन पेरिशेबल। बेटा वैसे तो फिट यहाँ पे भी हो सकता है, पर छोड़ो अभी इसको यहाँ नहीं फिट करते, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। बेटा जो प्रोडक्ट नॉन पेरिशेबल होते हैं, जिनकी लाइफ थोड़ी ठीक ठाक होती है, 2 साल 3 साल 4 साल, बेटा ऐसे प्रोडक्ट आप देखते हो लॉन्गर चैनल डिस्ट्रीब्यूशन से बिकते हैं। कॉस्मेटिक्स सोचो, बहुत सारी कन्फेक्शनरी ऐसी है बेटा जिनकी लाइफ 2 2 साल होती है, ठीक है ना जी। बेटा जो प्रोडक्ट पेरिशेबल इन नेचर है, जो बेटा बहुत जल्दी खराब हो सकते हैं,
बेटा ये कैसे बिकते हैं बाबू? शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से बिकते हैं। आप सोच लो ना, अमूल मिल्क खुद गाड़ियां बेचता है, अमूल आपके शहर तक आती है, मधुसूदन का मिल्क एक एक ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है शहर के अंदर मधुसूदन का, बेटा उसके पास गाड़ियां उतरती हैं और डायरेक्टली बेच रहा होता है। कितने मिडल मैन इन्वॉल्व है? एक मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली हर सिटी तक गुड्स बेचता है ऐसा। ब्रिटानिया खुद ब्रेड भिजवाता है बेटा हर सिटी तक, बोन खुद ब्रेड भिजवाता है बेटा, इंग्लिश ओवन खुद ब्रेड भिजवाता है बेटा, पेरी शेवर रखता है, एक दो दिन शेल्फ लाइफ है सिर्फ। कैसे आएगा बेटा? शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है बेटा बात? आगे बढ़ाओ फटाफट से। कंपनी रिलेटेड फैक्टर, पहली हेडिंग इज फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। बेटा अगर कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ खुद में बहुत अच्छी है, इधर देखो बहुत अच्छी है, बहुत ठीक ठाक पैसे कमा सकते हो और बहुत ठीक ठाक पैसा पड़ा हुआ है पीछे। सर आप ना पता है क्या चाहते हो कि जान के ना बीच में मिडलमैन डालो ही ना, शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से गुड्स बेचो, क्योंकि आपको लगता है यार मुझे ही कमाना है, मैं क्यों किसी को रास्ता दूं, जितने मिडलमैन डालूंगा सबके लिए कमाई छोड़नी पड़ेगी ना। आप बेटा रिलायंस को देख लो, इसके काम में सबसे कम मिडलमैन मिलेंगे आपको। रिलायंस ट्रेंड्स खुद बेच रहा है प्रोडक्ट डायरेक्टली, आने नहीं देता किसी को। जियो देखोगे ना, जियो ने ना अपने स्टोर खोले थे सिटी में जब सिम बांटी थी, किसी को नहीं आने देता भैया वो। जियो स्टोर जो कहते हैं ना, मैं स्टोर ओनर हूं कहने की बात है, सैलरी पे काम कर रहा था। स्टोर ओनर कोई चीज नहीं होती जियो के कंसेप्ट में, वो तो खुद अकेले मालिक रहते हैं, ठीक है ना जी। इस टाइम पर आपको क्या लगता है जियो फाइबर पूरे सहारनपुर में बिक चुका है बेटा? वो फाइबर की लाइन पूरे अब सहारनपुर छोड़ो लगभग हर सिटी में, हर मेन सिटी में तो जा ही चुकी है, ठीक है ना, गांव में भी लगभग लगभग गांव काफी कवर कर दिए होंगे। पर आपको लगता है कोई ओनर का जैसा कंसेप्ट है फाइबर में? कोई भी ओनर जैसा कंसेप्ट, सब नौकरी में है। जिसके पास पैसा होता है ना बेटा, वो चाहता नहीं बीच में मिडल मैन आए। जिसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी है तो लगता है मैं क्यों कमाने का मौका दूं बीच में किसी को भी, सैलरी पर रखूंगा। क्लियर बेटा बात? वो नेक्स्ट हेडिंग इज कंट्रोल। बेटा अगर आपको लगता है कि मुझे मिडल मैन को कंट्रोल करना है, तो बेटा हमेशा कम लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है, तो शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर कंट्रोल नहीं करना तो बेटा लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है बेटा बात? बाबू मिडल मैन कितने भी हो सकते हैं ना, ये देखो आप मैन्युफैक्चरर हो, आपको लगता है यार मेरे को ना मिडल मैन पे ना कंट्रोल रखना है, मुझे ना देखना है वो क्या एक्टिविटी करता है, तो बेटा जितने ज्यादा मिडल मैन रखोगे उतना कंट्रोल करना मुश्किल होगा ना। तो बेटा अगर कंट्रोल रखने जैसी चीज है तो बेटा शॉर्टर चैनल का यूज करो ना, या तो कोई मिडल मैन ना हो या एक रखो, और अगर आपको लगता है मेरे को क्या करना कंट्रोल करके जो मर्जी करे, वैसे केसेस में बेटा लॉन्गर चैनल से जाओ, ठीक है जी। बाबू थर्ड हेडिंग इज कॉम्पिटेटिव फैक्टर। बेटा कोई भी कंपनी इग्नोर नहीं कर सकती अपने कॉम्पिटिटर का चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी कंपनी। तो बेटा अगर आपका कॉम्पिटिटर कोई पर्टिकुलर चैनल यूज कर रहा है तो आपको भी बेटा वो चैनल यूज करना चाहिए। देखो बड़े सिंपल सी बात है, सैमसंग ने क्या किया बेटा, फ्लिपकार्ट के साथ टाई अप कर लिया कि फ्लिपकार्ट सेल में ना मेरे प्रोडक्ट बेचने हैं तूने। अब एप्पल स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है, एप्पल ने कहा अच्छा ये चैनल यूज करेगा मैं कैसे छोड़ दूंगा, एप्पल ने अमेजोन को पकड़ लिया कि अमेजोन मेरे प्रोडक्ट तूने बेचने हैं सेल में। बस बेटा कोई भी कंपनी अपने कॉम्पिटिटर को इग्नोर नहीं करती। और आप ये मानोगे बेटा आपने देखा है, बस बेटा आपको याद नहीं आ रहा, देखो मैं आपको याद कराता हूं। आप किसी पर्टिकुलर मॉल में जाओ, अगर आप देखोगे ना सच में कि यहाँ डोमिनोज है, तो जो भी कॉम्पिटिटर मानेगा ना, कोई भी मान रहे पिज्जा या लापिनो, बेटा नजर आएगा जरूर शोरूम, देख लेना चाहे। अगर मैकडी है तो देखना, बर्गर किंग ने पूरी कोशिश की होगी उस मॉल में कहीं ना कहीं कोई स्पेस लेने की, समझ में आती बेटा? तो कोई भी कंपनी अपने कॉम्पिटिटर का फैक्टर इग्नोर नहीं करती, ठीक है ना। अगर आपने बेटा मॉल ही एक फैक्टर चूज किया है, बर्गर किंग ने अगर उस मॉल में स्पेस नहीं लिया तो किसी एक ऐसे मॉल में स्पेस जरूर ले रखा होगा या मैकडी नहीं होगा, देख लेना चाहे, समझ में आता है। तो कोई भी बेटा अपने कॉम्पिटिटर का फैक्टर इग्नोर नहीं करता। क्लियर है बेटा बात? समझ में आती है बात?
बाबू आगे बढ़ाते हैं बात को बेटा। फोर्थ हेडिंग जो है वो है मार्केट रिलेटेड फैक्टर। बेटा इसमें फर्दर फिर तीन हेडिंग है। पहली हेडिंग पढ़ना, साइज ऑफ मार्केट। बेटा अगेन मैं एग्जांपल चला दूंगा, फिर वही मेरी तरफ देखते रहना। बेटा अगर आपका गुड्स ऐसा है जिसके नंबर ऑफ कस्टमर बहुत ज्यादा है, कंज्यूमर गुड्स के तो नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा होते हैं या इंडस्ट्रियल गुड्स के? सर इनके तो कस्टमर कम ही है ना, इनके तो गुड में इनके बेटा यूजर कौन है जो खुद प्रोड्यूसर्स हैं, और इनके कौन है बेटा सारे के सारे कंज्यूमर, ठीक है ना। तो बेटा अगर आपके नंबर ऑफ कस्टमर बहुत ज्यादा है तो बेटा यूज द लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर बेटा आपके नंबर ऑफ कस्टमर कम है देन यूज द शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा दिमाग में यही रखना है कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स, लेकिन नाम भी नहीं लेना इनका, इन्हीं का को दिमाग में रखना है। मैंने इनका नाम लिया कोई? मैंने हेडिंग देखी क्या साइज ऑफ मार्केट, मैंने इन दोनों को ही दिमाग में रखा। अगर नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा हैं जो कि कंज्यूमर गुड्स के होते हैं, कैसे बिकते हैं? लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और बेटा अगर आपके नंबर ऑफ कस्टमर कम है तो कैसे बिकेंगे? शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इनका नाम भी नहीं लेना और काम भी निपटाना। चार चार हेडिंग में फिट कर दी मैंने जरा, देख रहे हो क्या कर रहा हूं मैं? ठीक है आगे बढ़ाना बेटा बात को। वो ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन, बेटा अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो एक पर्टिकुलर लोकेशन पर डिमांडेड है या कहीं एक पर्टिकुलर लोकेशन से ही ज्यादा डिमांड आती है देन बेटा यूज द शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और बेटा अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो थ्रू आउट द कंट्री डिमांड आती है तो लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसकी डिमांड ऐसी होती है बेटा कि एक पर्टिकुलर जगह से ही है? बेटा होती है, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं वो कोकोनट ऑयल जिसके इस्तेमाल करके कुकिंग की जाती है, बेटा उसकी डिमांड तो सिर्फ साउथ से आती है ना, मिड से आती है ना, सेंटर से आती है ना, नॉर्थ इंडिया से आती है ना, ईस्ट से आती है ना, वेस्ट से आती। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए? अब एक ही जगह से डिमांड आ रही है तो शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर यूज कर लो, एक मिडल मैन बिठा दो, बेचता रहेगा सामान। और बेटा मैं कौन, थ्रू आउट द कंट्री आ रही है, लेस चिप्स हो आप या कोई सॉफ्ट ड्रिंक हो, पेप्सी हो, फिर तो बेटा आपको लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। क्लियर है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं इस चीज में? बढ़ाएं बात को आगे। बाबू नेक्स्ट हेडिंग पढ़ना, क्वांटिटी परचेस्ड। अब बहुत कम बच्चे इसको झेल पाते हैं, मैंने पिछली बार भी पूछा था, कंफ्यूज मत होना। इधर देखना, अगर बेटा आप क्वांटिटी परचेस कर रहे हो बहुत ज्यादा तो शॉर्टर या लॉन्गर? पिछली बार भी शिविका ने सही बताया था, शॉर्टर या लॉन्गर? शॉर्टर। और क्वांटिटी परचेस कर रहे हो बहुत कम तो बच्चा कहता है पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। लो मैं समझा देता हूँ बेटा, आपको ना एक नोटबुक खरीदनी है, किसके पास जाओगे? रिटेलर के पास जाने का सीधा सा मतलब क्या है? आपने क्या यूज किया? लॉन्गर चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, क्योंकि आप देखते हो स्टेशनरी भी बेटा तीन लेवल से बिकती है। ये सारी स्टेशनरी शॉप जो ठीक ठाक शहर की शॉप है या तो खरीद रहे थे पंसारी बाजार से सामान, और पंसारी बाजार वाले खुद दिल्ली से खरीद रहे होते हैं, देख लो यही हालत है, ठीक है। और यही बेटा अगर आपको मैं कहूं एक नहीं, आज बेटा सेशन शुरू हुआ है आपका, ठीक है, आपको चाहिए बेटा 200 नोटबुक, क्या करोगे? क्या करोगे बेटा? पहुंच जाओगे सीधा, मटिया मैल जाता हूँ, पंसारी जाता हूँ, होलसेलर से खरीदता हूँ, ये करोगे ना? तो बेटा जितनी क्वांटिटी बढ़ती जाती है हम मिडल मैन उतने साइड करते चले जाते हैं, हम चाहते हैं कुछ ना कुछ बच जाए। तो क्वांटिटी परचेज ज्यादा तो बेटा शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्वांटिटी परचेज कम तो बेटा लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। बाबू लास्ट हेडिंग है एनवायरमेंटल फैक्टर, और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, टारगेट भी पूरा हो जाएगा। सामने देखना बाबू, एनवायरमेंटल फैक्टर दिमाग में रखना। अगर मार्केट बेटा डिप्रेशन पर है या बूम पीरियड पर है, इसमें भी बेटा फैक्टर बदल जाते हैं। देखो बेटा अगर मार्केट में बूम है यानी कि बेटा मार्केट में लोगों के पास बहुत पैसा है तो बेटा लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा है, वो माइंड नहीं करेंगे अगर प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा भी मिल रहा है, क्योंकि लॉन्गर चैनल में बेटा प्रोडक्ट महंगा ही होता है। जब सबका इतने लोग बीच में आएंगे, सबको प्रॉफिट देना पड़ेगा, प्रोडक्ट नेचुरली महंगा होगा। लेकिन बेटा अगर मार्केट में डिप्रेशन है, कुछ नहीं बिक रहा, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, तो सर आपको यूज करना चाहिए शॉर्टर चैनल। जितना डायरेक्ट चैनल यूज करोगे उतना बेटर होगा, क्योंकि ना कोई मिडलमैन आएगा
ना उसको मार्जिन देना पड़ेगा। आप क्या करो बेटा, डायरेक्टली बेचो, बिकने का स्कोप थोड़ा ज्यादा होगा। बूम पीरियड तो लॉन्गर चैनल, डिप्रेशन तो शॉर्टर चैनल। एक बार बेटा जल्दी मत करो, मेरे को 1 मिनट और लगाओ, जहां इतनी देर लगा दी, मैं एक बार सभी हेडिंग बोल रहा हूँ, सिर्फ कंक्लूजन कंक्लूजन, ठीक है जी। वापसी आओ, मार्केट रिलेटेड फैक्टर, पहली हेडिंग पढ़ी नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कंज्यूमर गुड्स तो लॉन्गर, इंडस्ट्रियल तो शॉर्टर, पेरिशिएबल तो शॉर्टर, नॉन पेरिशिएबल तो लॉन्गर, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा तो शॉर्टर, जस्ट लाइक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट दिमाग में रखना, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट बहुत कम, सॉस का पाउच दिमाग में रखना, कंज्यूमर गुड्स लॉन्गर चैन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी बेटा, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, टेक्निकल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट अगेन दिमाग में रखो, शॉर्टर चैनल, नॉन कॉम्प्लेक्स नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट, सभी कंज्यूमर गुड्स सोच लो बेटा, लॉन्गर चैन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आगे बढ़ाओ जी, मार्केट रिलेटेड सॉरी कंपनी रिलेटेड फैक्टर, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, कंपनी के पास पैसे बहुत, शॉर्टर चैनल, कम पैसे लॉन्गर चैनल, कंट्रोल मिडल मैन को कंट्रोल करना है, शॉर्टर चैनल, नहीं करना लॉन्गर चैनल, कॉम्पिटिटर का फैक्टर इग्नोर मत करना, जो कॉम्पिटिटर चूज करे वो आप कर लो। मॉल का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, बर्गर किंग, मैकडी, डोमिनोज, सबके एग्जाम्पल दिमाग में रखना। आगे बढ़ाओ जी, बाबू मार्केट रिलेटेड फैक्टर, साइज ऑफ मार्केट, पॉइंट बेटा नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा है, कंज्यूमर दिमाग में रखना, लॉन्गर चैनल, नंबर ऑफ कस्टमर कम है, इंडस्ट्रियल गुड्स, शॉर्टर चैनल। अगली हेडिंग, ज्योग्राफिकल कंसेंट्रेशन, आपका प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर लोकेशन पे बिकता है, शॉर्टर, थ्रू आउट द कंट्री, लॉन्गर चैनल, क्वांटिटी परचेस ज्यादा है, शॉर्टर चैनल, कम है, लॉन्गर चैनल, एनवायरमेंटल फैक्टर, बूम पीरियड लॉन्गर, डिप्रेशन या रिसेशन शॉर्टर चैनल। रखते हैं आज के लिए इतना ही है।